सो हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। होप सो आपने पुराने दो वीडियोस देखे तो आपको ये बेहतर समझ आएगा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने से पहले कॉन्जुगेशन की ज़रूरत है, उसकी जानकारी होनी चाहिए हमको, कॉन्जुगेशन वगैरह की, कहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है कहाँ पर नहीं होता है। देख सकते हो पीछे वीडियोज़ में मैंने बताया है, जीओसी की प्लेलिस्ट चल रही है, तो जीओसी की प्लेलिस्ट चल रही है और इसमें हम अभी सिक्स्थ वीडियो में पहुंचे हैं। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में पूरा जीओसी अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी मैं कुछ और चीज डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी की बात करूंगा, सॉरी सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाउ टू ड्रॉ उसकी बात करूंगा। स्टेबिलिटी और रेजोनेंस हाइब्रिड की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सी 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 सी, देखो एक तो तरीका ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से पहले हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के 75 रूल्स आते हैं साला, उनको याद करके बैठो, कोई मतलब नहीं है वो सब करने का, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, आप अच्छे एग्जाम दे रहे हो यार, आप जेई मेन जेई एडवांस अच्छे एग्जाम्स हैं, इसके लिए बच्चों टाइप पढ़ाई नहीं करना है। इसके लिए क्या है भाई, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद आपको 15-20 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनते हुए देख लो, दो चार बना के देख लो, समझ आ जाएगा कि क्या बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाउ टू मेक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलो देखो, यहाँ पे पहली बात तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, कौन सा, पाई सिग्मा पाई। देखो मैं कॉन्जुगेशन वगैरह फिर से नहीं बताने वाला, वो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, मैं फटाफट बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या है, डीलोकलाइज करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स को, ये करो इधर, ये ले आओ इधर। तो क्या बना पहला स्ट्रक्चर, सी 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 सी, चार आया। अब इस कार्बन पे देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सी चार्ज दे देंगे, माइनस। यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड था वो इधर गया, तो ये वाला बॉन्ड डबल हो गया और ये वाला बॉन्ड सिंगल हो गया। इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया बेटा, दूर चला गया तो इस पे डेफिशिएंसी आ गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया मतलब कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रॉन इधर घुमाया, सेम आप इलेक्ट्रॉन ऐसा भी फ्लो करा सकते थे, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कराता ऐसा और ऐसा, तो मेरा जो स्ट्रक्चर बन जाता वो क्या होता, सी 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 सी, और ये आप ले जाते इसको यहाँ पे डबल, और यहाँ पे आ जाता प्लस और यहाँ पे आ जाता माइनस। चलो अगले स्ट्रक्चर की तरफ, सी 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 प्लस और डबल बॉन्ड, एलाइलिक कार्बोकैटायन बोलते हैं इसको, बाद में बात करेंगे उसकी। उसकी देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करेगा कहीं पे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। कॉन्जुगेशन भी आपको दिख रहा है, कौन सा, पाई सिग्मा प्लस, पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो क्या स्ट्रक्चर बना, सी सी सी, और यहाँ पे आया कौन सा चार्ज, यहाँ पे आया प्लस चार्ज, यहाँ पे आया प्लस चार्ज, ये बना दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो आओ एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसकी बात करेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे लगाया मैंने डबल बॉन्ड। तो देखो एक कॉन्जुगेशन कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन दिख रहा है, घुमा दो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चला दो, इधर चला दिया बेटा तो क्या मिला, सी 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 सी, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड था, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल, और ओ पे आ गया माइनस, ओ पे आ गया माइनस, और ये देखो ये जो सिंगल बॉन्ड था किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और इस कार्बन पे देखो वैकेंसी आ गई ना, इलेक्ट्रॉन उससे दूर गया तो उसमें कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ऐसा तो बनाया आपने। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि सर इलेक्ट्रॉन अपन ने इधर चलाया तो उल्टा चला देते हैं, तो अगर उल्टा इलेक्ट्रॉन चलाओगे ठीक है, अभी चला लो थियोरेटिकली, चलाने में कोई दिक्कत नहीं, उल्टा उल्टा चलाने से ना समझो कि आप जब स्टेबिलिटी पढ़ोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो देखो क्या बनेगा, उल्टा चला दिया मैंने उसी में, तो देखो ये वाला जो ओ डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड हो, वो कन्वर्ट हो गया सिंगल पे, और यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड फिर से आ गया और इस कार्बन पे जाके माइनस बैठ गया, देख सकते हो बहुत सिंपल है। और इस ऑक्सीजन पे देखो बेटा कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे दूर गया है। अब इसकी सिग्निफिकेंस इसी के कारण बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का आपने ऑक्टेट जो है वो वॉयलेट कर दिया, विच इज नॉट गुड। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का आपने ऑक्टेट वॉयलेट कर दिया, तो विच इज नॉट गुड। तो इसकी बात करेंगे स्टेबिलिटी में, लेकिन अभी तो स्ट्रक्चर बनाना है, तो कुछ भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं, जहां आपको दिख रहा है कॉन्जुगेशन आप फटाफट फटाफट स्ट्रक्चर बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अगले स्ट्रक्चर्स की तरफ आते हैं, ये लो ऐसा आते हैं, इस पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और सपोज मैंने दे दिया माइनस चार्ज यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे पर, ये देखो माइनस सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, पहले माइनस को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो क्या बनाया मैंने, ये ऐसा 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 ऐसा,
देखो बेटा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से दूर मत ले जाना। अब आप बोलोगे सर ऐसा करके बना देते क्या, नहीं यार ये मत करो, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दूर मत ले जाओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट खराब मत करो, ठीक है वो अच्छी बात थोड़ी ना, तो ऐसा नहीं करना। माइनस इधर ले जाओ, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मजा आएगा, स्टेबिलिटी में समझ आएगा वो आपको कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे, रूल्स हैं और कुछ नहीं। तो ये इधर ले गया एक स्ट्रक्चर, ये बना, और क्या कर सकता हूँ, ये माइनस को इधर ले जाऊं, ये इसको इधर ले जाऊं, तो क्या बनेगा, ये ले गया ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे क्या हुआ, ओ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, ओ पे आ गया माइनस। तो हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, दीज थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, यस फॉर श्योर, तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल। कुछ और कंपाउंड्स उठाता हूँ, देखो कुछ और कंपाउंड्स उठाते, सपोज ये लो कार्बोक्सिलेट आयन उठाओ, C डबल बॉन्ड O माइनस, क्या कौन सा कॉन्जुगेशन है, यहाँ तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, देखो यहाँ पे दिख रहा है माइनस सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन दिख रहा है, माइनस इधर ले जाओ, इसको इधर भेजो, क्या बना सी सी सी, और यहाँ आया O पे माइनस, और यहाँ आया डबल बॉन्ड O, तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल। अब ऐसे स्ट्रक्चर ना जो एकदम आपको सेम दिख रहे हैं, देखो सेम दिखने का मतलब यहाँ पे ड्रॉइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सेम दिखने का मतलब जहाँ नेगेटिव इसमें है वही नेगेटिव इसमें भी है, उसी एटम पे, आई मीन जितने डबल बॉन्ड इसमें है उतने डबल बॉन्ड उसमें भी है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसकी बात भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये जब स्टेबिलिटी की बात होगी उसमें ये भी चीजें आएंगी। तो बस आपके कान में एक बार डाल दे रहा हूँ मैं बातों को कि भाई ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता है, धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चलो कुछ और स्ट्रक्चर बनाते हैं। वैसे तो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, अपन कुछ और स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ, ऐसा देखो ये लो OH, ये फिनॉल है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब इसमें आपको मैं प्लस आर माइनस आर का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, देखो देखो बेटा सीधे सीधे तुरंत, यहाँ पे ऑक्सीजन में लोन पेयर है, तो कभी भी कोई बाहर ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जिसपे लोन पेयर है, तो वो क्या करता है ना रेजोनेंस के समय इलेक्ट्रॉन रिंग को देता है, कैसे आएगा इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो पहला स्ट्रक्चर कैसा बना, पहला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना, डबल बॉन्ड, इसका काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, ओ पे प्लस आया, ये वाला ओ पे प्लस उतना बुरा नहीं है, उतना बुरा नहीं है, क्योंकि देखो आप उसकी ऑक्टेट जो है वो अभी भी कंप्लीट है, ऑक्टेट अभी उसकी खराब नहीं हुई, ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है, पहला स्ट्रक्चर ये बना। इसी तरह से बेटा ये माइनस इधर चला दो, ऐसा चला दो, तो क्या बना सकते हो, ये हो गई डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे एच, और यहाँ पे प्लस, ये सब स्कूल लेवल के स्ट्रक्चर है बेटा, ये सब आने चाहिए सब, ये माइनस हो गया, और इसके बाद फिर यहाँ पे ऐसा, उसके बाद ये माइनस को इधर चला दो, ऐसा चला दो, इधर ऐसा चला दो इसको, तो अगला स्ट्रक्चर क्या बना, कार्बन पे माइनस आ रहा है ना, अगला स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना, देखो डबल बॉन्ड हो एच, और यहाँ पे आया प्लस चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे माइनस, अब लास्ट स्ट्रक्चर ये माइनस पे ऐसा चला दो इधर, तो माइनस इधर चला, तो फाइनल स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, ये यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे हो गया OH। तो देखो इसके पांच स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब एक चीज बताऊ मैं, कोई भी ग्रुप जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो बढ़ा रहा है उसको हम बोलेंगे कि वो प्लस आर वाला ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, प्लस आर, जो रेजोनेंस के दौरान इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा है, ठीक है। अभी तो बस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अपन, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको साइड बाय साइड देते जा रहा हूँ। तो देखो ये प्लस आर वाला ग्रुप है, तो कोई भी प्लस आर वाला ग्रुप लगा हुआ है तो आप देख सकते हो कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हो इनको। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जा रही है फिनॉल के। और तो बेटा एक वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा भाई, 10 मिनट 12 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस नहीं रहेंगे, लेकिन उसमें भर भर की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों छोटी छोटी बातों को लेके घुमाने वाला काम नहीं होता यहाँ। तो चलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, चलो अगला एक और इफेक्ट देखते हैं। अगर मान लो ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है NO2 जैसा, ये भी बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, आना चाहिए बेटा, ये सब स्कूल लेवल के स्ट्रक्चर है, फिर से बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है कि वो रिंग को दे पाए, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इससे दूर नहीं जाएंगे, दिस इज नॉट फीजिबल, क्योंकि भाई ऑक्सीजन से दूर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, ऑक्सीजन की तरफ फ्लो करेंगे,
इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ फ्लो करेंगे। तो कैसा फ्लो कराएं अपन? ऐसे फ्लो नहीं कराएंगे, उल्टा फ्लो नहीं कराएंगे। देखो कैसा फ्लो कराएंगे, एन डबल बॉन्ड हो और ये कोऑर्डिनेटेड विद ऑक्सीजन, ये ले जाओ इधर और ये ले जाओ इधर, क्या बना पहला स्ट्रक्चर? पहला स्ट्रक्चर कैसे बना? देखो पहला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है दिस। अब यहाँ पे आया है, देखो ये डबल बॉन्ड एन, ये हो गया ओ पे माइनस और ये कोऑर्डिनेटेड विद ओ। देखो बेटा इस कार्बन पे प्लस आ गई, इस कार्बन पे प्लस आ गई बिकॉज इससे इलेक्ट्रॉन दूर गया है। अब इस प्लस को स्टेबल करने के लिए ये बगल से ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इधर कूदेगा इस प्लस को स्टेबल करने के लिए। तो अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? अगला स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा और ये प्लस को स्टेबल यहाँ पे आ गया और ये प्लस स्टेबलाइज हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम इस कार्बन पे प्लस आ गया क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन दूर चला गया। एज सिंपल एज इट इज, ओ माइनस और ये कोऑर्डिनेटेड विद ओ। तो अभी आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन रिंग से दूर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग से दूर जा रहा है, आपको देख के समझ आ रहा होगा। अब देखो बेटा इस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इससे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बन के तैयार होगा, डबल बॉन्ड एन सिंगल ओ माइनस कोऑर्डिनेटेड विद ओ एंड यहाँ पे ऐसा और ये डबल और यहाँ पे प्लस, एंड एट लास्ट क्या होगा, ये माइनस इधर और इसको इधर लाओ, इस प्लस को स्टेबलाइज करो। तो प्लस को स्टेबलाइज किया तो लास्ट स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल और यहाँ पे आ गया एन डबल ओ और ये ओ। आप ये पहले स्ट्रक्चर और इसमें कंपेयर कर सकते हो, बस कुछ नहीं हुआ है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अल्टरनेट पोजीशंस पे चले गए, अल्टरनेट पोजीशंस पे इंटरचेंज हो गए, चेंज हो गए। सो ऐसा ग्रुप जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले उसको बोलते हैं अपन माइनस आर ग्रुप। माइनस आर ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की कम कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है ऑफ रिंग, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। और एट द सेम टाइम यू कैन सी कि इससे क्या हो रहा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है। आपको इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन मिलेगा जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ड्रॉइंग सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन फर्दर वीडियोस वी विल आल्सो एनकाउंटर सम ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट और जिसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, यू कैन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट ऑल्सो एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट फर्दर लेटेस्ट अपडेट्स। ओके आई एम एंडिंग इट।